मचकुंड पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों व सफाई कर्मी का हुआ अभिनंदन। धौलपुर की प्रमुख खबर, कोतवाली थाना के मचकुंड पुलिस चौकी के बहादुर पुलिस कर्मी राहुल शर्मा व जयपाल सिंह एवं सफाई कर्मी जीतू ने मचकुंड में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाई। तीनों की मदद से सकुशल बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस कांस्टेबलों के इस साहसिक बहादुरी भरे कार्य के बाद जैसे ही लोगों को पता लगा तो लोग कांस्टेबल राहुल शर्मा व कांस्टेबल जयपाल सहित धौलपुर पुलिस की सराहना करते हुए थक नहीं रहे, जिसको लेकर तीर्थराज मचकुंड पर बहादुर पुलिस कर्मियों का सम्मान करने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम सहित मचकुंड चौकी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज सेवी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने धौलपुर पुलिस की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी मचकुंड महंत कृष्णदास ने पूरे मामले को विस्तार से बताया। गंगा दशहरा के दिन मचकुंड सरोवर में उस दिन पूरे परिवार का इकलौता बेटा पीयूष त्यागी नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया, जिसे डूबता देख परिजन जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसे देखकर बहादुर सिपाही राहुल शर्मा व जयपाल ने मचकुंड सरोवर में बिना अपनी जान की परवाह किए छलांग लगा दी। इसके साथ ही सफाई कर्मी जीतू भी उस बच्चे की जान बचाने को कुंड में कूद गया और समय रहते उस बच्चे को डूबने से पहले बचा लिया, जिसे ऊपर लाकर सकुशल उसके परिजनों को सौंपा। वहीं अनुराग मुदगल पूर्व सरपंच ने कहा कि इस साहस को सर्व समाज के द्वारा बहादुर पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। उनके साथ कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम का भी गुलाब के फूलों से स्वागत किया, सम्मान किया। इस दौरान मचकुंड महंत कृष्णदास, जगन्नाथ मंदिर महंत, ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा, गोविंद शर्मा, रजत शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सत्येंद्र बघेल की रिपोर्ट। गंगा दशहरे पर काफी भीड़ भाड़ थी। उस दिन एक पीयूष नाम का बच्चा पानी में चला गया था, जिसको पुलिस कॉन्स्टेबल्स की मदद से निकाला गया और वो अपने परिवार का एकमात्र बच्चा था। उसके बाद यहाँ के मौजूदा स्टाफ और यहाँ के लोगों द्वारा, जनता द्वारा, सबके पुलिस प्रशासन को सम्मान किया गया है, इसके लिए धन्यवाद। अपहरण एवं बलात्कार का मुलजिम गिरफ्तार, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अपराधियों का धरपकड़ अभियान जारी है, जिसके अंतर्गत गत दिवस मुखर की सूचना पर थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने अपहरण एवं बलात्कार के मामले में वांछित अपराधी सोनू सिकरवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी अजय सिंह के साथ नेत्रपाल बलिराम खेम सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। टच करने वाले की मनोदशा को पहचाने, रश्मि राव। रोटरी क्लब मचकुंड के आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में गुड टच बैड टच की दी जानकारी, धौलपुर की प्रमुख खबर। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा रोटरी क्लब मचकुंड के सहयोग से चलाए जा रहे विशेष निशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को गुड और बैड टच को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका रश्मि राव ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरीर में विशेष तौर पर चार ऐसे भाग होते हैं जिन्हें अभिभावक के अलावा यदि कोई छूता है तो वह बैड टच की श्रेणी में आता है। शारीरिक शिक्षिका राव ने बच्चों को बताया कि घर से बाहर निकलते समय ज्यादा देर मोबाइल पर बातें न करें। इस अवसर पर महिला कांस्टेबल शकुंतला परमार ने बेटियों से कहा कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसकी जानकारी नजदीकी थाने में जरूर दें। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के कोच माता प्रसाद टाइगर शर्मा ने बेटियों से आग्रह किया कि वे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करें। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के सचिव सुबोध शर्मा ने बेटियों से कहा कि सरकार ने बेटियों की सहूलियत को देखते हुए ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें उनकी तत्काल सुनवाई होगी। इस अवसर पर रोटरी क्लब मचकुंड के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, सचिव दीपक प्रताप सिंह व उपाध्यक्ष शैल।
दसवीं बोर्ड परीक्षा में वेदांत राज पचौरी ने प्राप्त किए 84% अंक। बड़ी की प्रमुख खबर, राज वैद्य पचौरी परिवार के सदस्य वेदांत राज पचौरी पुत्र हर्ष राज पचौरी अध्यापक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के दसवीं RBSE बोर्ड इंग्लिश माध्यम परीक्षा में 84% अंक प्राप्त किए। कस्बा के विख्यात एबेनेजर मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की। वेदांत राज ने अपनी सफलता के लिए माता पिता एवं गुरुजनों के साथ साथ स्वयं की कड़ी मेहनत को जिम्मेदार बताया। वेदांत राज का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी नियमित करते रहने से दिमाग चुस्त दुरुस्त बना रहता है। वेदांत राज की सफलता पर उन्हें बधाई देने वालों में क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, ब्राह्मण समिति के प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा, प्रोफेसर चंद्रशेखर दीक्षित, डॉक्टर अमरीश पचौरी, देवेश पचौरी, अवधेश पचौरी, पत्रकार प्रमोद मुद्गल, धीरज चंसोरिया, पप्पी लवानिया, डॉक्टर परमेश पाठक, पत्रकार श्री भगवान शर्मा, कर्नल डॉक्टर वीरेश राज आदि लोग शामिल रहे। वेदांत राज की इस उल्लेखनीय सफलता पर BBN चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। परशुराम शोभा यात्रा मंच से आदित्य शर्मा को किया सम्मानित। बड़ी की प्रमुख खबर, भगवान परशुराम शोभा यात्रा के मंच से आदित्य शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा गांव स्वामी का पुरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर ने कक्षा दसवीं में 87% अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किया। श्री परशुराम शोभा यात्रा मंच से आदित्य शर्मा के लिए प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह उनके पिता राकेश कुमार शर्मा को प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर गिरिराज दंडोतिया मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, हरिनिवास शर्मा प्रधान जी वरिष्ठ भाजपा, ब्राह्मण नेता महेंद्र दुबे, हरभजन शर्मा, पंकज शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। जल्द तैयार होगा खेल मैदान, वीरेंद्र सिंह जादौन। नगरपालिका साधारण सभा की बैठक आयोजित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, नगरपालिका राजाखेड़ा में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम नव निर्वाचित पार्षदों का सभी सदस्यों ने स्वागत किया। साथ ही बैठक में कई प्रस्ताव लिए गए, जिसमें उपजिला हॉस्पिटल के लिए 11 बीघा जमीन का प्रस्ताव पारित किया गया। शहर के मास्टर प्लान का संशोधन कर 12 गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव लिया। साथ ही शहर के लिए नए जोनल प्लान बनाने का निर्णय लिया, जिससे भूमि रूपांतरण हो सके। साथ ही नरेगा में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर लोगों को 100 दिन रोजगार देने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में मनरेगा जल्द शुरू करने का निर्णय लिया। नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने सफाई व्यवस्था के लिए संबंधित कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त आदेश दिए। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि बहुत दिनों से चली आ रही खेल मैदान की मांग के लिए राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने विधायक निधि से खेल मैदान के लिए 20 लाख की राशि पूर्व में ही स्वीकृत कर दी गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी रतन सिंह, राज कपूर सोनी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, पार्षद रफीक खान, लोकेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, गिरवर सिंह सहित नव निर्वाचित पार्षद जहूर खान एवं अंकिता राठौर मौजूद रही। बैठक में एक भी महिला पार्षद उपस्थित नहीं थी। महिला पार्षद एवं उपाध्यक्ष की जगह है उनके प्रतिनिधियों एवं परिजनों ने बैठक में भाग लिया, जबकि राजस्थान सरकार के विभागीय आदेश पूर्व में दिए जा चुके थे कि बैठक में केवल चुने हुए ही व्यक्ति भाग ले सकेंगे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। गरीब कल्याण का सपना साकार कर रही है भाजपा, जवाहर सिंह बेढम। लक्ष्य प्रण पथ अंत्योदय की संकल्पना से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, श्रवण वर्मा। धौलपुर की प्रमुख खबर, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर गरीब कल्याण योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि संगठन जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेढम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रियान्वित गरीब कल्याण योजनाओं को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष सफल कार्यकाल होने के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान भर में उनकी योजनाओं को प्रचारित प्रसारित व क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे राष्ट्र के निर्माण का पथ प्रशस्त हो रहा है। कार्यक्रम में धौलपुर की विशेष साहित्यिक हस्तियों का स्वागत किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कवि विकल फरुखावादी, वरिष्ठ शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी, संस्थापक आदर्श शिक्षण संस्थान, समाज सेवी शिवचरण लाल त्यागी, समाज सेवी रामवीर सिंह परमार भर कुंजड़ा वाले और पूर्व सरपंच प्रताप सिंह तोमर
चेलपुरा वाले वरिष्ठ समाज से भी इनका पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन मांगरोल मंडल प्रभारी विजय त्यागी ने किया। संयोजक शोभरन सिंह गलेथा, सह संयोजक विनय परमार, मुकेश सक्सेना ने आगंतुकों का धन्यवाद दिया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कुक्कू शर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, सुरेश कौशिक, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, राजाखेड़ा विधानसभा सह प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा, जिला आईटी प्रभारी हरेंद्र राव, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पल्लवी गोस्वामी, राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, हरिनिवास शर्मा प्रधान सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको ध्यान होगा, 70-70 जोड़ी जूतियां घिस जाती थी एक भैंस का लोन कराने में। लेकिन हमको धन्यवाद देना चाहिए उस समय के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को। उन्होंने सीट पर बैठते ही कहा कि हम किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, उसकी जितनी जमीन होगी उसका कार्ड बनेगा और जब जितना चाहेगा पैसा निकालेगा, जब जितना चाहेगा। उस सोच को यदि आगे बढ़ाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने 2014 में जब सत्ता संभाली तो आपको खूब ध्यान होगा, उन्होंने कहा लाल किले पर कि गरीबों के जिनके सर पर छत नहीं है उनको हम प्रधानमंत्री आवास में मकान बनाने का काम करेंगे। और इतना कहा था कि जो कांग्रेस के लोग इंदिरा आवास के नाम पर 10 या 20 हजार रुपया दिया करते थे, 10 और 20 हजार रुपए में एक गरीब व्यक्ति का मकान नहीं बन सकता। हम समतल क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 2 लाख रुपए देकर के उसकी मदद करने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, उसमें घर में बिजली लगवा कर देंगे, उसको शौचालय बनवा कर देंगे, जिससे गाँव का गरीब, शहर का गरीब सम्मान से सर उठाकर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की छात्रा अर्पिता त्यागी ने विद्यालय का नाम किया रोशन। धौलपुर की प्रमुख खबर, परीक्षा परिणाम जारी होते ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटियों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण देख हर चेहरे पर खुशी थी। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि स्कूल की प्रतिभाशाली बालिकाओं में अर्पिता त्यागी 96.67% अंक, मनु बंसल 94%, कृष्णा गुर्जर 86.50, नंदिनी 84.15, सिमरन राणा 83.17 एवं उमा ने 80% अंक प्राप्त किए। स्कूल का परिणाम गुणात्मक सुधार के साथ बेहतर रहा। उन्होंने सभी उत्तीर्ण बालिकाओं, अभिभावकों व शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद तथा गुरुजनों की प्रेरणा को दिया। किसी बालिका ने आगे चलकर IAS अधिकारी बन देश की सेवा करने की इच्छा जाहिर की तो किसी ने डॉक्टर बनने की। इस अवसर पर व्याख्याता भगवान सिंह मीना, शालिनी श्रीवास्तव, सतीश कुमार मीना, वरिष्ठ अध्यापक नाहर सिंह सिकरवार, मनोज कुमार झा, प्रवीण फौजदार, सहायक संस्थापन अधिकारी रेखा गुप्ता, देव प्रकाश ढाकरे सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सभी स्टाफ सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बेहतर परीक्षा परिणाम की बधाई दी। AVM ने 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022 में लहराया परचम। धौलपुर से प्रमुख खबर, AVM धौलपुर के छात्र छात्राओं ने RBSC 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022 में 96% परिणाम देकर नया कीर्तिमान स्थापित कर फिर लहराया परचम। छात्रा अक्षरा हरदेनिया ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निकिता त्यागी 86.83%, आदित्य शर्मा 86.50% एवं प्रिंस ने 84.17% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं एवं
अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने कहा कि हमारे धौलपुर जिले के ये होनहार एवं प्रतिभावान छात्र छात्रा प्रशासनिक सेवा एवं चिकित्सा सेवा में जाकर जिले, राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर अनीता त्यागी ने सभी छात्रों, अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। आदर्श शिक्षा समिति अध्यक्षा कुसुम त्यागी ने कहा कि एवीएम धौलपुर के विद्यार्थी हर वर्ष की भांति प्रगति के पथ पर हैं तथा होनहारों ने इस वर्ष भी शैक्षणिक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। 93.83% in RBSE 10th board, and my school and my parents and teachers support me a lot, and I'll do many practice to score such a good marks, and in future I am going to be an IAS officer. Hello everyone, this is Nikita Tyagi. I scored 88.96 in my 10th examination, and the main thing which I scored is my parents' support, and most important thing is practice, because practice makes a man perfect. And one more thing which I want to say is my teachers support me a lot to score such a good marks. Therefore, I really going to give my credit to all my dear teachers of AVM school. Thank you so much. Very good. कला वर्ग 12th में 92% आने पर छात्र चंद्रभान गुर्जर का किया अभिनंदन। धौलपुर की प्रमुख खबर, नथुआ का पुरा मोरौली निवासी रामप्रकाश अध्यापक के पुत्र चंद्रभान गुर्जर ने कला वर्ग 12th में 92% अंक प्राप्त कर कीर्तिमान बनाया। प्रतिभाशाली छात्र का चंद्रभान गुर्जर का गुर्जर नेता अरविंद कंसाना ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। गुर्जर समाज के अनेक पदाधिकारी एवं वरिष्ठ लोगों ने छात्र को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को उनके आवास पर मुलाकात कर बधाई दी। जयपुर धौलपुर की प्रमुख खबर, ब्राह्मण युवा नेता मोनू गुधेनिया, राष्ट्रीय परशुराम सेना व हल्ला बोल जन सरोकार मंच धौलपुर उपाध्यक्ष सुनील जगरिया, राजेश शर्मा, कान्हा शर्मा, पुनीत जेएन साहब, एडी शर्मा ने जयपुर पहुंचकर घनश्याम तिवाड़ी के निवास पर मिठाई खिलाकर साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी में प्रथम वरीयता लेकर उन्हें राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया गया है। समाज के सभी सदस्यों और समाज के युवा टीम ने पार्टी अलाकमान का आभार व्यक्त किया और कहा, ऊर्जावान, ईमानदार, संघर्षशील तिवारी को राज्यसभा में जगह देकर सम्मान सहित निर्वाचित किया, ये बहुत बड़ा कार्य किया है। ब्राह्मण समाज आगे आने वाले समय में तिवारी जी के राज्यसभा में आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि राजस्थान के विकास के मुद्दों को बड़ी बारीकी से उठाता रहूंगा। तिवारी के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है। साथ ही तिवारी जी के निवास पर बधाई देने आने वाले सीकर के सांसद से भी मुलाकात की और उनका स्वागत किया। आज हमारी टीम ने घनश्याम माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी के निवास स्थान पर जाकर जयपुर में उनका माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। हमारी पूरी युवा टीम और ब्राह्मण समाज ने काफ़ी जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी को भाई चतुर्थी में राज्यसभा पर निर्वाचित करने पर अलाकमान नेतृत्व का ब्राह्मण समाज की तरफ से सभी युवा साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।